फिर से बात करते हैं सिलोन एनर्जी लिमिटेड की। 6 रुपए का स्टॉक है, 33 मिलियन शेयर्स आज के दिन में ट्रेड हुए हैं और तेजी के बाजार में भी स्टॉक रखता हुआ दिखाई दिया है। कारण की बात करें तो कारण सिर्फ एक है, सिलोन ने कुछ स्टॉक्स जारी किए हैं बॉन्ड्स को लेने के लिए और ये दूसरी बार हो रहा है पिछले 6 महीनों में। यही कारण है कि कंपनी के और इन्वेस्टर्स के ऊपर काफी प्रेशर पड़ रहा है। उनको लगता है कि कंपनी अगर इस तरह से शेयर्स को अलॉट करके और बॉन्ड बनवाती रहेगी, चाहे वो ड्यू हो 2030 में चाहे वो ड्यू हो 2032 में, पे तो कंपनी को ही करना पड़ेगा। और इस समय पर कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो इतनी ज्यादा थिक नहीं है कि उसको सस्टेन कर सके। क्या कारण है, क्या नहीं, क्या करना है, आपको वो भी बात करेंगे इस वीडियो में। चार्ट पैटर्न में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्या आपको यहाँ पर रुकना है स्टॉक में या निकल जाना है, वो भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें सिलोन की, एक बेहतरीन स्टॉक है और ट्रेडिंग भी इसमें बहुत अच्छी हो रही है। इस समय पर ट्रेंडिंग स्टॉक है, मैं ये कहना जरूर चाहूंगा। यहाँ पर सिलोन में रिन्यूअल सेक्टर का स्टॉक है और सिलोन इस समय पर स्ट्राइव कर रहा है टू गेन ऑर्डर्स, और ऑर्डर्स इसे मिले भी संगनारा में। अगर वो बहुत बड़ा एक आंदोलन टाइप नहीं हुआ होता तो वहां का प्रोजेक्ट अब तक खत्म हो चुका होता, पर संगनारा में आंदोलन वगैरह हुआ जंगल को बचाने के लिए, इसी वजह से सिलोन थोड़ा सा पीछे हो गया। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है वो वोडाफोन आइडिया में अगर आप देखेंगे तो वो पैसा ग्रहण करने की थी, पैसा लाने की थी, उनको काफी ज्यादा पैसा उधार लेना था, बट उधार देने के लिए तैयार नहीं था। सुजलॉन एक बार पैसा उधार लेके फंस चुका है और उसको अपनी कई सारी सब्सिडियरी बेचनी पड़ी है। यही कारण है कि जब भी इनको पैसे की जरूरत लगती है तो ये अपने शेयर्स को बाहर अलॉट करते हैं और यूएस वगैरह में, और $2-3 पर फेस वैल्यू के बॉन्ड वगैरह ये ले आते हैं और वो ड्यू होते हैं 15 साल 20 साल के आसपास ड्यू होते हैं वो, तो वो एक काम ये लोग लगातार कर रहे हैं। जिससे प्रॉब्लम क्या होती है ना कि जब आप QIP के थ्रू पैसा रेज करने की कोशिश करते हो या ऑफर फॉर सेल डालते हो उसके थ्रू पैसा रेज करने की कोशिश करते हो या डायरेक्टली आप कहीं से पैसा लेके आते हो या डिबेंचर के थ्रू रेज करते हो, तो वो सारी चीजें समझ में आ जाती है लोगों के। बट अगर आप रेज करते हो थ्रू बॉन्ड तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो समझ में कम आती है लोगों के, एंड देन दे स्टार्ट ऑफलोडिंग द स्टॉक्स। वही एक काम यहाँ पर भी हुआ कि लोगों को पता नहीं चला कि बॉन्ड में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, एंड दे स्टार्टेड ऑफलोडिंग द स्टॉक्स, और वही सुजलॉन के गिरावट का कारण बना। अभी यहाँ पर क्या है, बहुत सारे कारण है। पहला तो स्टॉक मार्केट में छोटे स्टॉक्स को मौका नहीं मिल रहा है। जहां पर स्टॉक आपका लगातार एक सपोर्ट ले रहा है 5.70 रुपए का, एंड जो हमारे सामने इस समय का एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन बन रहा है वो यहाँ पर है 7.20 रुपए का, और स्टॉक जो है वो लगातार आपका इसी के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको रुकना पड़ेगा स्टॉक में, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत टाइम रुकना पड़ेगा, बट यू हैव टू वेट फॉर द प्रॉफिट्स टू कम। आप देखिए अगर आप इसे वीकली चार्ट पर एनालाइज करते हैं तो वीकली चार्ट भी आपका इसमें ठीक ठाक देखने को मिलता है। सबसे पहले लेट मी सेट इट। अब देखिए कि जो चार्ट है हमारा वो अभी भी अपने प्रीवियस हाई पर ही है, बहुत ज्यादा गिरावट में नहीं है। जो अपना 1 से 1.5 महीने का हाई था वो वहीं पर है अभी भी। आप देखेंगे तो लगातार इसने इस पॉइंट को टच किया है जो हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन था। एक बार तो यहाँ पर आया, इसने अपना हाई लगाया और ब्रेकआउट नहीं दे पाया, लोअर एंड पर जाके लगा। दोबारा यहाँ पर भी ये इसने ट्राई किया, डबल अप बनाया और दोबारा से डाउनवर्ड गया हमारा। आप देखिए कि एक ही पॉइंट है यहाँ पर, ये बार बार सपोर्ट भी ले रहा है तो उसमें भी कोई दो राय नहीं, और यहाँ से ही दोबारा से ये ऊपर की ओर निकलता है। तो अगर इस स्टॉक ने यहाँ पर दोबारा से सपोर्ट लिया है, दैट मींस कि स्टॉक अब दोबारा से ऊपर की जर्नी करने को तैयार है। वीकली चार्ट है ये, डेली चार्ट नहीं है कि आप बोले कि कल अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। एक कॉन्फर्मेशन कैंडल हमारे सामने ऑलरेडी बन चुकी है जो बताती है कि ऑलरेडी जो हमारा स्टॉक है वो बुलिश रन के लिए निकल चुका है। सेकंड कैंडल कॉन्फर्मेशन कैंडल आ गई है, अभी स्टॉक ऊपर की ओर भागने की पूरी तैयारी कर चुका है। तो अगर आप कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि स्टॉक जो है वो थोड़ा सा अभी न्यूट्रलिटी में जरूर है, बट ये ऊपर की ओर ही जाने वाला है, नीचे इससे ज्यादा जाने की उम्मीद नहीं है। सुजलॉन के पास नए ऑर्डर्स भी आने शुरू हुए हैं। बॉन्ड वाली कहानी क्या है उसको मैं एक न्यूज के थ्रू समझाऊंगा आपको, बट अभी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में कई सारे बड़े चेंजेस हुए हैं जिसके कारण स्टॉक में तेजी से गिरावट हुई। पहला तो ये कि स्टॉक ने अपना पीक लगाया और इस तरह का पीक लगाने के बाद अक्सर गिरावट होती ही होती है, और वही गिरावट इस समय पर स्टॉक आपको झेल रहा है। आप देखेंगे तो मैग्डी का वीकली चार्ट जो है हमारा वो पूरी तरह से बेरिश मोमेंटम में है और बेरिश मोमेंटम में भी रहने के चांसेस भी हैं। लास्ट टाइम भी अगर आप देखेंगे तो ऊपर से ही हमारा रिबाउंड हुआ था, इस बार में मुझे लग रहा है कि यहीं से बाउंस बैक कर सकता है।
तो थोड़ा सा न्यूट्रलिटी, 1 से 2 हफ्ते की न्यूट्रलिटी, मुझे लगता है कि आने वाले 1 से 2 हफ्ते के लिए न्यूट्रलिटी रह सकती है, उतना आपको झेलना पड़ेगा। बाकी स्टॉक बुरा नहीं है, बेचना नहीं है आपको, रखे रहिए, अच्छा प्रॉफिट आपको देगा। खरीदारी करने की जल्दबाजी नहीं करना। बॉन्ड की कहानी क्या है, हम उस पर भी एक बार बात कर लेते हैं। तो द सिक्योरिटी इशू कमेटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड बाय यूएएम सर्कुलर रेजोल्यूशन पास होने के 17 अगस्त 2017 को रेजोल्यूशन पास किया गया था, उन्होंने अप्रूव किया है ऑलमोस्ट इतना इक्विटी शेयर्स इन टर्म्स ऑफ कंसेंट सॉलिसिटेशन एंड इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम डेटेड मार्च 31 और अप्रैल 2 को उन्होंने मेमोरेंडम साइन किया था। उसके बाद अब इन्होंने जाके अपना शेयर्स लॉन्च किया है। लगभग 1.36 करोड़ इक्विटी शेयर इन्होंने जारी किए हैं टू गेन सम मनी, टू रेज सम मनी। 2.75% का पर एनम का इंटरेस्ट पे करेंगे, हाफ ईयरली ये पेमेंट करना होगा और 2032 में जो ये बॉन्ड है वो मेच्योर हो जाएगा। तो इस तरह की कुछ कहानी है। और ये कहानी जब आई इस लोन में कि पैसा रेज कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, ये पे कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वो लोगों को समझ में कम आया और वहां से स्टॉक में गिरावट होना स्टार्ट हुई। खैर वो कहानी थोड़ी सी पुरानी हो गई, 1 हफ्ते की बात हो गई है। और अभी आप देखिए नई कहानी हमारे सामने ये है कि मार्केट के मूड अच्छा हो चुका है। और अगर आप बात करें तो जैसा मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कहा भी था कि जेरोम पवेल साहब की स्पीच के बाद मुझे लगता है कि FII FPI अपना टर्म बदलेंगे और पैसा भारतीय बाजारों में डालेंगे, वो हुआ भी। आप देखिए फ्राइडे की स्पीच थी, सैटरडे संडे हमारा बाजार बंद था, मंडे बाजार खुला और मंडे को FII FPI ने खरीदारी करना स्टार्ट कर दिया। 1200 करोड़ का खरीदारी इक्विटी बाजार में FII FPI ने किया है। मैंने पहले भी कहा था कि क्योंकि इस समय पर FII FPI पैसा निकाल रहे हैं, यही कारण है कि मार्केट भी अपने एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और सुजलॉन भी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। बट जैसे ही FII FPI खरीदारी के मूड में आएंगे तो छोटे स्टॉक्स में भी अच्छी रैली आने की संभावना बनेगी। इस समय पर सुजलॉन में इंटरनली कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। टेक्निकल्स में अगर आप देखेंगे तो कूलिंग ऑफ पीरियड चल रहा है, सब्र कीजिए, होल्ड कीजिए, मार्केट इज ऑल अबाउट पेशेंस। अगर आप पेशेंस रखते हैं तो आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। मार्केट में आपको दो चीजें समझना पड़ेगा, पहली बात ये कि कब खरीदारी करनी है और दूसरी बात ये कि कब बेचना है। बेचने से मेरा मतलब है, आप बोलेंगे तो बहुत बेसिक चीज है यार, बेसिक चीज इन द सेंस की खरीदारी आपको प्राइस से ऊपर पे नहीं करनी है और बेचने के टाइम पे प्रॉफिट से नीचे नहीं बेचना है। प्रॉफिट से नीचे नहीं बेचने का मतलब ये होता है कि मान लिया ये स्टॉक 9 तक जा सकता है, आपको 8 पे नहीं बेचना है, आपको 7 पे नहीं बेचना है। अगर आपने वेट कर लिया है 1 साल या 6 महीने या 3 महीने तो आपको पूरा प्रॉफिट लेकर के ही स्टॉक से निकलना है, पहले नहीं निकलना है। तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। बाकी अगर आपने अपना 5% वाला जो रूल है वो मेंटेन किया हुआ है तो बहुत अच्छा है। 5% पैसा ही किसी भी स्टॉक में लगाएं अगर वो रिस्की हो, 10% अगर वो रिस्की कम है तो, बड़े स्टॉक्स में 10%, छोटे स्टॉक इस तरह के स्टॉक पैनी स्टॉक में 5% या उससे कम धनराशि ही लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर। अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट करके आप स्टॉक मार्केट में रुक सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। बात रही शेयर होल्डिंग पैटर्न की, उसके ऊपर भी सवाल पूछा था आपने। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न से मुझे लगता है कि इस बार क्योंकि बहुत ज्यादा प्रमोटर्स की प्लेजिंग हो चुकी है, यहाँ पर प्रमोटर्स ने बहुत ज्यादा 88% शेयर्स प्लेज करके लोन उठा रखा है इन लोगों ने, यही कारण है कि FII FPI ने इस बार अपने शेयर होल्डिंग को मिनिमल कम किया है, बहुत कम किया है। तो इतना तो चल जाता है, इतने चेंजेस को लेकर के फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। सब्र करें, होल्ड करें स्टॉक को, बेचने की जल्दबाजी ना करें, खरीदारी नहीं करनी है। स्टॉक अगर बाउंस बैक करता है यहाँ से तो आपके लिए अच्छी खबर होगी, न्यूट्रल बना रहता है तो भी कोई बात नहीं है, अगर डाउनवर्ड आता है तो थोड़ा सा हम फिर से इसे रिवाइज करेंगे, एनालाइज करेंगे क्या प्रॉब्लम है, कब तक नीचे आएगा तो कुछ खबर आएगी उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए क्या है आपकी स्ट्रेटजी स्टॉक को लेकर के प्लीज कमेंट करके शेयर करना। लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है। वीडियो यहीं खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट प्लीज कमेंट, कुछ पूछना हो तो।